Hello and welcome to Niraumayam Ayurveda. I am Dr. Meenakshi Gosain, Ayurveda and Panchkarma Consultant. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद ऋतु की और शरद ऋतु में कैसी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। यदि ऋतु के अनुसार डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए तो रोगों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शरद ऋतु वर्षा और शीत ऋतु के बीच की ऋतु है। इसे हिंदी मास के अनुसार अश्विन और कार्तिक इन दो मास में कहा गया है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार सितंबर से अक्टूबर इन दो माह में शरद ऋतु को माना जाता है। इस ऋतु में स्वभाव से ही पित्त दोष और रक्त का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु के बाद जितने भी पित्त रोग जैसे एसिडिटी, खट्टी डकार, पेट में जलन होना, जॉन्डिस, पीलिया या यूरिन में जलन या फिर इन्फेक्शन होना, हाथ पैर के तलवों में जलन होना, मुंह में छाले होना, त्वक विकार होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सभी रोग शरद ऋतु में ज्यादातर देखे जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है रोगाणाम शारदी माता, अर्थात पूरे साल में सबसे ज्यादा रोग होने की संभावना इसी शरद ऋतु में रहती है। इस प्रकार के पित्त रोगों से बचने के लिए शरद ऋतु में तीखा, खट्टा, नमकीन, स्पाइसी या फिर मसालेदार भोजन, फैट और तेल वाले भोजन जितना हो सके कम लेने चाहिए। यानी कि आपको दही, छाछ, अचार, नींबू, टमाटर, फर्मेंटेड फूड और नॉन वेज फूड आदि जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। साथ ही तेज धूप का सेवन या दिन में सोना और देर रात तक जगना भी नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में मीठे, कड़वे और कषाय रस के भोजन को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। यानी दूध से बने हुए खोया, पनीर, मलाई, रबड़ी, पेठा, घी और मक्खन ये श्रेष्ठ पित्तनाशक है। परंतु अति सर्वत्र वर्जित का हमेशा ध्यान रखे, यानी कि किसी भी चीज का अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियों में कद्दू, तोरी, लौकी, करेला और कषाय रस में हरड़, आंवला, दालों में मूंग, मसूर, मोठ की दाल और फलों में केला उत्तम पित्तनाशक है। इसके अलावा मुनक्का, नारियल पानी और सेब भी ले सकते हैं। इस ऋतु में पित्त दोष तो बढ़ता है लेकिन मनुष्य की जठराग्नि कम रहती है, तो हल्का और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। साथ ही पित्त दोष से जिनके हाथ पैरों में जलन या फिर गर्मी होती है उनके लिए रोजाना नारियल तेल की मालिश भी अत्यंत लाभदायक रहती है। पित्त दोष के लिए श्रेष्ठ आहार है दूध और शक्कर, तो इसका सेवन इस ऋतु में विशेष रूप से करना चाहिए। इस ऋतु में पित्त रोगों से बचने के लिए हमारे त्योहारों में भी इसी प्रकार का आहार रखा गया है कि हम पित्त शामक चीजें ज्यादा लें। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखा गया दूध, पोहा या फिर खीर का प्रयोग किया जाता है। शरद ऋतु में एक प्रकार का पित्तनाशक उपवास आप घर पर भी बनाकर रख सकते हैं। इसमें एक भाग आंवला चूर्ण, एक भाग धनिया चूर्ण और एक भाग सौंफ दाना का मिश्रण बनाकर और इसमें मिश्री मिलाकर रख लें। खाने के बाद आधा आधा चम्मच सुबह शाम ये आप ले सकते हैं। इससे जितने भी पित्त रोग हैं जैसे खाने के बाद जलन होना, एसिडिटी होना या खट्टी डकार आना, इनमें आराम मिलता है। बात की जाए पंचकर्म की, तो पंचकर्म में विशेष रूप से दो कर्म पित्त रोग के लिए विशेष लाभकारी है। पहला है विरेचन और दूसरा रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड डोनेशन, जिससे बढ़े हुए पित्त दोष की मात्रा को शरीर में कम किया जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि इस सितंबर अक्टूबर के माह में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं। रक्त धातु को पित्त दोष का सब्स्टिट्यूट माना जाता है और ब्लड डोनेशन के थ्रू एक तरह से पित्त दोष को ही शरीर से कम किया जाता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी कि रोगी के रोग को दूर करना। आयुर्वेद के इसी सिद्धांत को चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऋतुचर्या को फॉलो करने से दोष बैलेंस स्टेट पे रहते हैं और शरीर के ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। तो शरद ऋतुचर्या को फॉलो करें और ज्यादा रोग होने वाली इस ऋतु में आप निरोगी बने रहें। अपनी प्रकृति
और उसके अनुसार आहार विहार के सही तरीके को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।